सो गाइस वेलकम बैक मेरे खिलाड़ी। फाइनली गाइस यहाँ पे खिलाड़ी कुमार और टाइगर को लेकर जबरदस्त बात है। फर्स्ट ऑफ बातें करते खिलाड़ी कुमार भाई। फाइनली खिलाड़ी कुमार की फर्स्ट तेलुगु डेब्यू फिल्म भाई साहब यहाँ पे कनप्पा का ऑफिशियली अक्षय पाजी का शेड्यूल कंप्लीट हो चुका है भाई साहब। अक्षय पाजी ने रैप अप कर दिया और यहाँ पे खिलाड़ी कुमार के साथ भाई साहब एक्टर विष्णु मंचू ने अपना फोटो शेयर किया। ऑडियंस को बता दे कि भाई एक पावरफुल शूट हम लोगों ने कम्प्लीट कर दिया। अब लोग गाइस एक चीज आप लोग जानते हैं कि इस मूवी के अंदर अक्षय पाजी लॉर्ड शिवा के रूप में आपको नजर आने वाले, और लॉर्ड शिवा के रूप में हम लोगों ने यहाँ पे अक्षय पाजी को ऑलरेडी देख रखा है एमजी टू के अंदर। तो एमजी टू के अंदर जो उन्होंने अपना डिवाइन वाइब, जो अपना एक प्रेजेंस उन्होंने छाप छोड़ा यार, वो ऑडियंस बहुत इंजॉय की। सिंपल सा फंडा है भाई, यहाँ पे अगर बड़े बजट की मूवी में भाई साहब बहुत सारे VFX लगा करके जब आप अक्षय पाजी को फिर एक बार लॉर्ड शिवा के रूप में देखेंगे और एक अलग तरीके से देखेंगे भाई, वो चीज़ हर कोई विटनेस करना चाहता है कि अक्षय पाजी का रूप कैसा निखर के आया, क्या जबरदस्त तरीके से मचाएंगे। एंड आप लोग पता भी है कि इस मूवी के अंदर बड़े बड़े सुपरस्टार्स और है भाई साहब, यहाँ पे प्रभास है, मोहनलाल है, ओ माय गॉड यार, एक के बढ़कर एक धमाका। तो भाई ये जो माहौल है बहुत जबरदस्त तरीके से बन रहा है एंड आई थिंक फिलहाल के इसमें ऑडियंस बहुत एक्साइटेड देखने के लिए। अब देखते भाई मूवी का शूटिंग कब कंप्लीट होता है, कि फिलहाल से भाई साहब यहाँ पे अक्षय पाजी का शेड्यूल कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते भाई साहब सेकंड थिंग, सेकंड थिंग यहाँ पे निकल करके आ रहा है जॉयल पित्री का। इस जॉयल पित्री का भाई साहब फिलहाल इसमें फिर एक बार एक वीडियो जो कि वायरल हो रहा है, और इस वीडियो के अंदर एक बार फिर से अक्षय पाजी जो है क्लीन शेव के अंदर नजर आ रहे हैं। तो फिर एक बार ऑडियंस कन्फ्यूज हो रही है कि भाई क्या अक्षय पाजी यहाँ पे क्लीन शेव में है। तो मेरी जान अक्षय पाजी क्लीन शेव के अंदर इस मूवी के अंदर नहीं होने वाले, मे भी हो सकते हैं कुछ एक सीन के अंदर हो, बट हाँ ओवरऑल मूवी के अंदर अक्षय पाजी फिर एक बार अपने पुराने अवतार के अंदर आएंगे, उन्हीं मूछों के साथ आएंगे। लेकिन भाई साहब यहाँ पे जो मेन चीज होगा वो होगा जॉली वर्सेस जॉली का धमाका। तो ये चीज अपने दिमाग में रखो, बाकी मूछे डजेंट मैटर, वो हो या ना हो वो भाई साहब डायरेक्टर की सोच के हिसाब से होगा। भाई जॉली जो फ्रेंचाइज है बहुत बड़ा है, आप लोग इसको हल्के में मत लीजिए। तो अब बात करते हैं भाई फाइनली हमारे टाइगर के लिए। भाई टाइगर टाइगर टाइगर, ओ माय गॉड भाई, भाई ये जो BGM होता है लाइक यार, देखो भाई फाइनली आप लोग मालूम है टाइगर 3 जापान में रिलीज हो चुकी है, बहुत ही प्यारे रिव्यूज आ रहे हैं, बहुत तगड़े रिव्यूज निकल करके आ रहे हैं, बहुत तगड़ी ऑक्यूपेंसी भी कैप्चर कर रही है। एंड भाई बताया जा रहा है कि अब जो टाइगर है वो 500 करोड़ वर्ल्ड वाइड के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब देखने के भाई कितने कलेक्शंस करते हैं। फिलहाल के समय एक चीज तो क्लियर हो चुकी है भाई साहब, टाइगर की जो सुनामी है जापान में छा चुकी है, और जापान की जो ऑडियंस है वो टाइगर के मफलर चढ़ा चुकी है। भाई जो फोटोज निकल करके आ रहे हैं यार, देखो हम लोग रिव्यूज समझ नहीं पा रहे, बट हाँ एक चीज की गारंटी है, ये इमोजीज, ये फायर इमोजीज, ये जबरदस्त फोटो, ये साफ तौर बता रहे हैं कि ऑडियंस बहुत इंजॉय करे। गाइज ऑडियंस बहुत इंजॉय करी, ऑडियंस कहने के सलमान भाई को बहुत प्यार करती है, और वो कहने के टाइगर 3 के अंदर साफ तौर पर लोगों को मिल रहा है, लोग बातें करें। कई सारे मैंने रिव्यूज को जब मैंने भाई ट्रांसलेट किया तो मुझे मालूम पड़ता है कि कई सारे जो ऑडियंस बोल रही भाई सलमान भाई का स्वैग, सलमान भाई की एंट्री, वो BGM भाई सब यहाँ पे वो धमाके, भाई साहब लोग बहुत इंजॉय करेगा ऐसे। एंड ये कहीं ना कहीं लोगों को चाहिए था, और सिर्फ इतना ही नहीं, गाइस आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये बातें भी निकल करके आ रही कि साथ ही में बजरंगी भाईजान को भी भाई साहब यहाँ पे रिलीज किया गया, जापान के अंदर वापस से रिलीज किया गया। तो सोचो एक तरफ टाइगर 3, एक तरफ बजरंगी भाईजान, टू मच फन भाई, एक तरफ पवन, एक तरफ टाइगर भाई, टू मच धमाका यार, ये कल ही क्रेज फैला है सलमान भाई को लेकर के। आई थिंक कहीं ना कहीं ये ऑडियंस चाहती है, और फिलहाल के समय ट्विटर के ऊपर हर जगह सलमान भाई का भाई क्रेज फैला हुआ है। तो भाई इंजॉय करो, सेलिब्रेट करो, लोगों को बताओ, जापानी ऑडियंस को मालूम पड़ना चाहिए कि भाई साहब यहाँ पे सलमान भाई का जब धमाका होता है तो बॉक्स ऑफिस किस तरह से हिलता है। तो सपोर्ट करो अभी के लिए, तो थैंक यू सो मच। और आप बताओ आप में से किसने किसने सलमान भाई की फिल्म को 2 से 3 बार ऑलरेडी देख रखा है, और जापान के अंदर आप कौन कौन भाई बंधु जिन्होंने इस मूवी को देखा है और अच्छे खासे रिव्यू शेयर किया, प्लीज थैंक यू सो मच अभी के लिए इतने। बाकी जो भी सब्सक्राइब करना, और बताओ अक्षय पाजी कनप्पा के लिए सलमान भाई के टाइगर 3 के जापान रिलीज के लिए आपके क्या रिएक्शन है। थैंक यू सो मच, बाय।